मैं वीडियो के शुरू में एक बात करना चाहता हूँ। आपने चित्र देखा है पाकिस्तानी पुलिस का, उसके ऊपर लिखा होता है आज मेरे बाल में तेरा इंतजार है। तो आज मेरे बाल में तेरा इंतजार है इस बंदे के साथ भी ऐसा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज क्यों यार इसको जानते हैं मैं ना जी, यहाँ पर आपको ना पिक्चर यार इसकी अभी दिखा रहा हूँ, शायद एक पिक्चर देख लें। इसको जानते हैं जी आप, अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको इसकी थोड़ी तफसील समझा देता हूँ। उस टाइम मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी किस मामले को लेकर, वो आपको पहले बता दूं मैं। अच्छा, वीडियो के लास्ट में एक बात मैं करूँगा, सुनते जाइएगा, आप यकीनन उससे भाई इत्तेफाक करेंगे, मुझे कमेंट में उसके मुतलक बताइएगा भी ज़रूर। बात क्या है, अच्छा ये वीडियो मैंने किसी वीडियो में आपको नहीं बोला कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को बताएं, दोस्तों के साथ शेयर करें, ऐसे टाइम यार ये क्या, जिस बंदे को अच्छी लगेगी वो खुद सब्सक्राइब कर लेगा, लाइक कर लेगा, लेकिन ये वीडियो किसी दोस्त के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, चलो उसका भी अगर भला हो जाए, ऐसी मुसीबत से वो भी बच जाए। हुआ कुछ यूँ है जी कि पहले सऊदी अरब कानून के मुताबिक ये कह दिया गया था, जब मस्जिद नबी वाला वाक़ पेश आया, यानी कि हुकूमत पाकिस्तान का वक्त गया और वहाँ पर उनके साथ जो भी मामला था देखने को मिले। अभी हम ये नहीं, इसके मतलब कुछ भी नहीं मैं बोलूँगा कि वो कौन थे क्या थे, ये भी आप भाई को बाखूबी इलम है, लेकिन वो मुकदस जगह थी, वहाँ पर शोरगुल नहीं करना चाहिए था, मुझे इतना पता है। बहरहाल जी, बात क्या है कि वहाँ जब वो मंदिर सामने आया, उस टाइम सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया कि कोई भी ऐसा बंदा चाहे गैर मुल्की है, वो कोई भी सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर अपनी खुद से वीडियो बनाएगा, इश्तियाल अंगेज यानी कि नफरत अमेज बातें बताएगा, उसमें नफरत अमेज गल्ला करेगा, पंजाबी जब गल कर लिए थे, और कोई भी ऐसी वीडियो बनाएगा जो कि किसी भी गवर्नमेंट के खिलाफ होगी, मौजूदा गवर्नमेंट के खिलाफ, तो हम उसको पकड़ेंगे, उसके ऊपर 2 साल से 5 साल की पाबंदी है, 50,000 से 2 लाख रियाल तक का फाइन है, सऊदी जेल में उसको लेकर जाएंगे, और मस्जिद नबी में कुछ बदतमीजी करने वाले गिरफ्तार भी बाद में हुए, आपको पता है जी। अभी ये जो बंदा है, जब गवर्नमेंट चेंज हुई उस टाइम बहुत सी वीडियो सामने आई, देखने को मिली, पासपोर्ट जलाए गए, मैंने भी आपसे वीडियो शेयर की, इस बंदे ने वहां पर बैठकर पाकिस्तानी परचम को लाइटर से आग लगाई, नाउज़ुबिल्लाह, एक बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है, मैं इसके मतलब और कुछ नहीं कह सकता। यहाँ पर पिक्चर आपको दिखा रहा हूँ मैं, इसने पाकिस्तानी परचम को आग लगाई और बोला कि ये गवर्नमेंट है, ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, फलान है, ढमकान है, ये हो गया, वो हो गया, जो भी बोला जी इसने। अभी मैं वो क्लिप आपको दिखाना नहीं चाहता, लाइव वो परचम जलाया जा रहा है, क्या आपको यार दिखा सकता हूँ मैं। बात यह है जी कि अभी भाई साहब है तो पाकिस्तानी, तो पाकिस्तान का सफर तो करना ही है ना आखिर एक दिन, तो भाई साहब ने सफर किया है पाकिस्तान का, और पेशावर एयरपोर्ट पर जैसे ही उतरे हैं, इनको बोला है आज मेरे बाल में तेरा ही इंतजार है, वही इनको ले गए वो अंदर, फिर तो एक पिक्चर इनकी ये सोशल मीडिया पर डाल दिया कि ये गिरफ्तार हो चुके हैं, अभी इनकी खातर तवादा हो रखी होगी, इनकी इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो रखा होगा, क्यों वो परचम जलाने को लेकर। एक चीज मैं लास्ट में जो बोलना चाहता था वो ये है जी, सुनते जाइएगा, शादीशुदा अफराद के लिए, जो खासकर शादीशुदा अफराद वहां पर बैठे होते हैं, रात या सुबह की 3 बजे की 4 बजे की 7 बजे की फ्लाइट है जी, पाकिस्तान में उतरनी है 12 बजे, ठीक है जी, और एयरपोर्ट से हम निकलेंगे, 3 घंटे का सफ़र है, 3 बजे 4 बजे घर पहुंचेंगे, और 3-4 बजे घर पहुंचने के बाद 2-3 घंटे आराम करेंगे, रात हो जाएगी, खाना खाएंगे, और बाद में फिर बिलीचुआ झगड़ा करेंगे, आप समझ गए जी। प्रदेश से आने वाला बंदा अपने घर जाता है, इसकी शादी भी तकरीबन वही होगी बंदे की जो इसकी एज है, तो अभी सीधा घर जाने की बजाय जेल में चला गया है। मैं इस चीज़ के ऊपर भी गौर कर रहा था, आपका इसके मतलब क्या रहा है मुझे।